बिलाला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हर तरफ शादियाने बज रहे हैं, मीडिया नैरेटिव बना चुका है और तुम होके अभी तक तैयार नहीं हुई। आखिर वजह क्या है बिलाला? डैडी, मैं ये जबरदस्ती की शादी, ये फोर्स्ड मैरिज नहीं कर सकती। बिलाला, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेरे सर के बाल सफेद हो रहे हैं, ना जाने दामने वक्त में कितनी गुंजाइश बाकी है। सोचा था कि अपनी जिंदगी में ही तुम्हारी गोद में विजारत उज़्मा को खिलता हुआ देख लूं। ओ माय गॉड डैडी, आप और आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग मुझे ले डूबेगी। प्लीज, मैं आपसे नजरसानी की अपील करती हूँ। तुम्हारी नजरसानी की अपील पहली ही समाप्त में मुस्तरद होती है बिलाला। डैडी, आप देख लेना, आपका ये फैसला गलत साबित होगा। ऐसा फैसला ही नहीं करते जिसमें घाटा हो। लड़का तजर्बेकार है, अंदरून मुल्क जायदादें हैं, बैरून मुल्क कारोबार है, अच्छा कमाता है जब भी हुकूमत में आता है। डैडी, जब प्रॉपर मैंडेट आता है तो स्टेबिलिटी आती है, जब ज्यादा प्रॉपर मैंडेट आता है तो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। शादी धन दौलत विजारतें उज़्मा का नाम नहीं है डैडी, शादी मोहब्बत का नाम है। बिलाला, ये कोई आम शादी नहीं बल्कि हुकूमत साजी है, और हुकूमत साजी खलीलुर्रहमान कमर का स्क्रिप्ट नहीं बल्कि शान शाहिद की गंडासे वाली फिल्म है। यहां मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, कांटे हैं और काले डाले भी हैं। पर डैडी, मेरी बात तो... खामोश, हमने फैसला कर लिया है बिलाला, चुपचाप खामोशी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मौलवी साहब आने वाले हैं। और अगर खुदा ना खास्ता मौलवी साहब एक बार इंतजार कर करके चले गए तो फिर दोबारा निकाह की बारी 5 साल से पहले नहीं आएगी। ओके जी, तो कार्रवाई डालना शुरू करते हैं। गवाहान मौजूद हैं? जी जी मौलवी साहब। ठीक है ठीक है, तो शेर खान वल्द बब्बर शेर खान, आपको बिलाला वल्द तीर खान से आधी वजारतें और आधी वजारत उज़्मा की बारी के एवज ये कॉम्प्रोमाइज कबूल है? ओ जी, हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल कबूल है। कबूल है? हाँ जी कबूल है। कबूल है? 100% कबूल है। शाबाश बेटा। बिलाला वल्द तीर खान, आपको शेर खान वल्द बब्बर शेर खान से आधी वजारतें और आधी वजारत उज़्मा की बारी के एवज ये कॉम्प्रोमाइज कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? अरे भाई कह दिया ना, कबूल है। ओके जी, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि ये कॉम्प्रोमाइज कम से कम 6 महीने जरूर निकाले। आमीन। अंकल जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसको खुश रखूंगा। बेटा, नहीं भी रखोगे तो फिक्र की कोई बात नहीं, कुर्सी खींचने में कौन सा टाइम लगता है।